हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सूरज पटेल एजुकेशन में आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज काफ़ी स्टूडेंट के दिमाग में फिर से ये पॉइंट आ चुका है कि हमारा एग्ज़ाम ऑनलाइन हो सकता है क्या, क्योंकि कोरोना का फिर से लहर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इंक्रीज होता दिखाई दे रहा है। चाइना का कंडीशन आप लोगों को पता है, तो काफ़ी स्टूडेंट के माइंड में फिर से ये मतलब चालू हो चुका है कि आने वाला एग्ज़ाम ऑफलाइन हो सकता है या ऑनलाइन हो जाएगा। तो दोस्तों, चलो इस वीडियो में इस बात और इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। आपने थंबनेल देखा है, उस वजह से इस वीडियो पे क्लिक किया है और ये वीडियो देखने आए हो। तो दोस्तों, इसी वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, बात करते हैं कि आपके एग्जाम की, तो मुंबई यूनिवर्सिटी के तरफ से आप लोगों को दोस्तों पता होगा कि टाइम टेबल रिलीज कर दिया गया है। जैसे कि इस वीडियो के पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें टीवाई बीकॉम के बच्चों का टाइम टेबल बता दिया है। 3 जनवरी से एग्जाम चालू होने वाला है, तो टीवाई के बच्चों के दिमाग में यह आ सकता है कि क्या पता सर हमारा एग्जाम ऑनलाइन हो जाए, क्योंकि 31 तक का तो कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं किया गया है लॉकडाउन को लेके या कोरोना को लेके। लेकिन शायद 31 के दिन पार्टी हो, मतलब हर एक चीज हो, तो शायद जनवरी से लॉकडाउन लग सकता है क्या, ये भी बच्चों ने पूछा है, स्टूडेंट लोगों ने पूछा है, दोस्तों ने पूछा है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्लियर कर दूं कि अब तक ये सब अफवाहों पे आप ना जाए, क्योंकि अब तक ऐसा कोई नोटिस नहीं आया है, आ सकता है। ठीक है, अब तक कोई नोटिस नहीं आया, आ सकता है, लेकिन अभी तक आया नहीं है। तो अगर आपके माइंड में ये कंसेप्ट चल रहा है कि एग्जाम ऑनलाइन हो जाएगा, पेपर फिर से एमसीक्यूज हो जाएगा, तो ऐसा कोई भी नोटिस नहीं आया है। अगर आएगा तो डेफिनेटली मेरे तरफ से आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो आप लोगों को जो अभी तैयारी करना है वो ऑफलाइन मोड से ही करना है, क्योंकि तब सिंपल सा लॉजिक है, अगर यूनिवर्सिटी को एग्जाम ऑनलाइन लेना हो तो वो 3 तारीख का नोटिस जारी नहीं करेगा। माना कि 15 दिसंबर को उन्होंने नोटिस जारी किया है, एक अच्छा खासा गैप है बीच में, लेकिन अगर ऑनलाइन एग्जाम होगा तो दोस्तों ये याद रखना कि आप लोगों का ये टाइम टेबल को रद्द कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा, और आप लोगों के लिए 3 जनवरी के पहले ही एक नया टाइम टेबल रिलीज किया जाएगा कि आप लोगों का एग्जाम ऑनलाइन होने वाला है, ऑफलाइन एग्जाम कैंसिल हो गया। अगर लॉकडाउन होता है तो कोरोना इंक्रीज होता है, तो मुंबई में कोरोना का लहर फिर से ज्यादा इम्पेक्ट करता है, तो ये हो सकता है। लेकिन अगर मेरा ओपिनियन रहा तो मेरे को दोस्तों लगता है कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन ही एग्ज़ाम होगा, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि कोरोना का जो लहर है वो मार्च महीने में ज़्यादा पीक पे देखा जाता है, मतलब बूम पे देखा जाता है, ऐसा चलता है, मतलब मार्च महीने में ज़्यादा ये केस हो सकते हैं। तो हो सकता है कि उस टाइम के बच्चों का जो मार्च वार्च में एग्ज़ाम होगा वो एग्ज़ाम ऑनलाइन हो सकता है, अगर कोरोना इंक्रीज होता है, लॉकडाउन लगता है तो। मतलब आपका जो एग्जाम अभी जो जनवरी में है उनका एग्जाम ऑनलाइन नहीं हो सकता, वो ऑफलाइन होगा। 31 जनवरी के बाद, मतलब 31 दिसंबर के बाद अगर कोरोना इंक्रीज होता है, जनवरी में कुछ पता चलता है, तो आपको नोटिस पता चल जाएगा मेरे तरफ से, लेकिन एग्जाम ऑफलाइन ही होने वाला है जहां तक मुझे पता है। आप ऑफलाइन की तैयारी करो दोस्तों, मैं गलत गाइड नहीं करूंगा, आपको एग्जाम ऑफलाइन ही तरीके से करना है। ऑनलाइन होगा तो आपको नोटिस दे दिया जाएगा, आपको इशू कर दिया जाएगा। मेरे को जहां तक लगता है अगर ऑनलाइन एग्जाम होने वाला रहेगा, कोरोना इंक्रीज होगा, तो वही मार्च महीने में, और मार्च महीने के बच्चों का एग्जाम ऑनलाइन हो सकता है। लेकिन अभी तक ये भी क्लियर नहीं है, क्योंकि कोई भी नोटिस आया नहीं है, जैसे कोई नोटिस आएगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये क्लियर हो गया है कि आपको तैयारी ऑफलाइन एग्जाम की करना है, ना कि ऑनलाइन एग्जाम की। तो बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए, जो बच्चों का एग्जाम ऑलरेडी चल रहा है उनको भी दिल से बेस्ट ऑफ लक। फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत दोस्तों।